नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज का जो विषय है हमारे गाड़ी के, जो बुलेरो गाड़ी है, जो मेरे पास बुलेरो प्लस गाड़ी है, तो इसके सस्पेंशन के बारे में बात करेंगे। तो आगे इसमें लगा है यहाँ पे इंडिपेंडेंट सस्पेंशन, जो कि स्प्रिंग स्प्रिंग है, तो उस वो वाला सस्पेंशन है। पर यहाँ पीछे जहाँ आप देख रहे हैं, ये है पट्टे वाला सस्पेंशन, मतलब कि नॉन इंडिपेंडेंट भी बोल सकते हो। ये दोनों चक्कों में होता है, मतलब दोनों चक्कों से जुड़ा होता है, एक रॉड उस पर लगा रहता है, इस टाइप का कुछ सिस्टम है। लेकिन तो इसका सबसे बड़ा खूबी क्या है, जितना भी आप देखते हो कि हैवी व्हीकल्स, ट्रक हो गया या फिर बस हो गया या फिर कमर्शियल जो भी है यूज़ होता है, तो उसमें ये जो पट्टा दिया होता है, बट अपनी बुलेरो में भी दिया है। जबकि तो ये पट्टे इसलिए होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये बोझ सह सके। बोझ मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा आप वजन लेकर के गाड़ी में चल सकें, ज़्यादा से ज़्यादा भार लेके चल सकें, इसलिए ये जो पट्टे वाला सस्पेंशन है इसका यूज़ होता है। पर दिक्कत इसमें क्या है ना, मैं बताता हूँ। दिक्कत इसमें यह है कि मतलब 1,000 2,000 या फिर मतलब यूज़ के ऊपर है। वैसे तो सच कहूँ तो कि आप किस टाइप का ड्राइविंग हैबिट रखते हो, नॉर्मल चलाते हो या तेज ही चलाते हो, गड्ढों से अचानक से निकाल देते हो, तो इस वजह से, या फिर मोटा मोटा बोलेंगे तो हर 5-6 हज़ार में तो अपना जो बुलेरो प्लस है, इसका सस्पेंस, जो पीछे वाला पट्टा सस्पेंशन है, वो हिल जाता है। तो उसको बार बार देखना पड़ता है और सेट करवाते रहना पड़ता है, या अगर इधर उधर हो गया तो कसना पड़ता है। तो इस टाइप का दिक्कत होता है इसमें। तो इसका मेरे जो भी बुलेरो प्लस वाले भाई होंगे, उनके पास भी है, तो उन लोग भी परेशान होते होंगे, मतलब दिक्कत करता है। इसमें फ़ायदा ये है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग वजन कैरी कर सकते हैं, बहुत आराम से गाड़ी ढो लेता है। लेकिन ना, राइड क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाता है इससे, खासकर बम्पी रोड पे। अगर प्लेन रोड है तो वैसे भी कोई भी गाड़ी हो अच्छी ही लगती है, लेकिन ख़राब रोड पे कुछ ज़्यादा हिला देती है। मतलब आगे जो है वो सस्पेंशन है स्प्रिंग वाले, है ना, तो आगे बहुत अच्छे से गड्ढों को सोख लेते, लेकिन जितना अच्छा आगे गड्ढों को सोख लेती, उतना ही ना पीछे तो हिला देती है, एकदम पूरा हिल जाओगे ऐसे करके। तो ये दिक्कत है बुलेरो में। लेकिन जो दे रही है इसको, मतलब कि कंपनी दे तो रही है काफ़ी टाइम से यही यही चीज़, जबकि स्कॉर्पियो में चारों चक्कों में आपके उस वो आता है, स्प्रिंग वाले सस्पेंशन आते हैं। और जहाँ तक कि बुलेरो नियो में भी शायद स्प्रिंग वाले सस्पेंशन ही आते हैं। इसके फ़ायदे तो बहुत हैं, लेकिन राइड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं हो पाती, जो कि मुझे पसंद नहीं आती, क्योंकि गड्ढों में पूरा हिल जाते हो यार। और अपने तरफ तो रोड ही बहुत ख़राब है, मैं कई बार अपने वीडियो में दिखा चुका हूँ इधर का रोड, तो ऐसी है यार, बार बार बीच बीच में देखते रहो, और अगर इधर उधर खसक रहे तो उसको मैकेनिक के पास बनवा लो। खुद कर पाते हो तो खुद भी कर सकते हो, लेकिन बहुत पहाड़ काम है बता दूँ तो। मतलब कस सकते हो, लेकिन अगर डैमेज हो गया, खिसक चुका है, तो आपको मैकेनिक के पास लेके जाना ही पड़ेगा, तभी आपका बनेगा। वेल्डिंग सेल्डिंग भी होता है थोड़ा बहुत। अगर कभी मैं सस्पेंशन का काम करवाऊँगा, मतलब कि पट्टे का ही मेनली, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक छोटा सा वीडियो मतलब बना के दिखा दूँ कैसे काम होता है। तो यही था यार, मतलब अच्छा चीज़ भी है, बुरा चीज़ भी है, मतलब ऐसे बीच का है। वजन तो ढो लोगे, लेकिन राइड क्वालिटी अच्छी नहीं हो पाती है, बाकी तो सब सही है। और अच्छे से देखते रहो बीच बीच में, अगर आपके पास भी बुलेरो है तो, वरना अचानक धोखा दे जाएगी। मतलब अचानक क्या बोलते हैं, अचानक कहीं खिसक गया चलती गाड़ी में, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ध्यान रखें अपना। तो यही वीडियो था आज का, थैंक यू देखने के लिए, थैंक यू सो मच।